सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फिर से हम बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल का फिर से हो गया लड़ाई, एंड ये लड़ाई भाई कोई इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं हुआ है, ये लड़ाई हुआ है मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉइज के साथ। बेसिकली वो मैकडॉनल्ड्स गए थे, ठीक है, एंड वहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट जो एम्प्लॉइज है वो उनको बोल रहे थे ना कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो उसी में उनका एम्प्लॉइज के साथ बहस हो जाता है ना। मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। किसकी? वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। आप तो मेरे भाई हो, पर नीचे कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है? देखो आप मेरे भाई हो, उसमें कोई दोराय नहीं है, पर लिखा कहाँ पे? लिखा कहाँ पे? अरे मेरा फोन, मेरा कैमरा, हम बनाएंगे। तुम मेरे भाई हो, तुम दोनों मेरे भाई हो, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके, एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव की भांजी यानी कि कोमल यादव की बेटी ऑलमोस्ट किडनैप हो गई थी भाई। जैसे एक बूढ़ी औरत एल्विस यादव की भांजी को उठा के ले जा रही थी। इसके बारे में एल्विस यादव की मॉम अपने व्लॉग में बताई ना, आप देखिए। मैं सोची सोनी के पास है वो, सोनी की लॉबी में थी, तो इतने में कोमल बोली मम्मी यहाँ आना एक बार। सोनी बोले आंटी यहाँ आना। मैं बाहर न गई, पता नहीं की बात हो गई। मैं यहाँ की बात हो गई, कह रही आंटी अभी ना ये बुढ़िया थी और गेट के अंदर तो चुक्कू उठा गए ने, सोनी ने कैसे देखी, वो चुक्कू उस औरत की गोदी में थी और वो गेट के बाहर थी, मतलब गोदी में लेके ना, मतलब कि बाहर का गेट लगा रही थी वो हमारा, मतलब कि चुक्कू को उठा के बाहर का गेट बंद कर। हाँ, चुक्कू गोदी में ले रखी थी उसने और बाहर का गेट लगा रही थी वो, और वो नीचे उतरन लग रही थी जैसे भाई हुआ। तो सोनी बोली हाँ कहाँ लेके जा रही है? तो सोनी ने वो कह रही मैं देख रही हूँ भाई तूने गोदी में कैसे उठा ली। वो तो वैसे डरा रही थी ना, मैं देख रही हूँ तूने अगर तू अंदर आके लड़की ने देखी, मतलब तो कुछ भी ना बोली और सोनी ने चुक्कू ले ली और अपना गेट लगा लिया। तो वो इतने मेरे से कहना आई मैं बाहर जाके देखू, कोई भी ना हुआ, दिखी ना मेरा कहाँ भागी कहाँ ना। सोनी बोली भाई यूकी करने लग रही है तू, मैं देखने लग रही मैं अंदर थे तू, तूने लड़की हमारे गेट के अंदर थे उठा ली। कह रही कुछ भी ना बोली, कह रही मैं तो शुक्र भगवान का जो सोनी मेरा टाइम पे पहुंच गई दरवाजे पे। और बता दू एल्विस यादव का एक वीडियो आउट हुआ, ठीक है, जहाँ पे वो बताए ना उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया। यस, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया, इसके बारे में वो क्या कहे आप देखिए। पहली बात तो आप लोग चौंके होंगे कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा क्या काम इधर जो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह का। बट बहुत सीरियस नोट पे बता रहा हूँ मैं, मैंने आज से नहीं सोचा था, मैंने सोचा बहुत पहले से था, क्योंकि जो मेरी हेयर लाइन है, ये जो चोट है ना यहाँ पे छोटी सी भाई, यहाँ तक ना बाल थे पहले मेरे प्रॉपर, कुछ टाइम में मैंने नोटिस करा कि जो मेरी हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है। इसका इलाज ऑनेस्टली बताऊं, देखो दवाइयों से हेयर लाइन वापस नहीं आती, ये ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता। तो ये चेहरा नोट कर लिया तुमने, अब देखना भाई सर्जरी के बाद मैं कैसा दिखूंगा, और जितने भी महीने में जो जो टाइम पीरियड होगा फर्क देखना कितना फर्क नजर आता है, उसके बाद तुम लोग सोचना कि सही करवाया मैंने या नहीं करवाया। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एक वायरल वीडियो के बारे में जो कि देख के आप भी शॉक हो जाओगे। एक पेट्रोल पंप पे दो वुमन आती है, ठीक है, एंड साथ ही वो पेट्रोल भरती है, एंड वो बिल ना देने के लिए पता है वो क्या करती है, वो स्कूटी से उतरती है एंड जो एम्प्लॉय थे उसके सामने अपना पैंट खोल देती है। अब एग्जैक्ट रीजन इसका पता नहीं चला कि वो वुमन ने ऐसा क्यों किया, पेट्रोल का पैसा ना देने के लिए या फिर क्या, लेकिन हाँ ये जो उन्होंने हरकत किया ना इसको लेकर काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। जैसे पीपॉय लिखे थे ना नथिंग डूइंग, पैसा तो देना पड़ेगा इवन इफ यू स्टूप डाउन टू पर्वर्सन। फिर वो लिखते सैल्यूट टू द गाय एट द पेट्रोल पंप, और उसी वीडियो के नीचे काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे बोल के पेमेंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और जो एग्जाम लिखा था, जब से वेब कैम या मोबाइल कैम आया है कुछ ना कुछ ड्रामा रोज देखने को मिलता ही रहता है, कैसे बेशरम और वल्गर दिमाग के आज की पीढ़ी की खास महिलाएं हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। एक 20 साल का बंदा मोहित कुमार को सांप काट देता है, ठीक है, इसके बाद जो फैमिली वाले हैं ना वो अंधविश्वास में मोहित कुमार को 2 दिन तक गंगा नदी में लटकाए रखा। बेसिकली उन्हें बताया गया था कि गंगा के बहते जल में शरीर को रखने से जहर उतर जाता है। भाई समझ सकते हो ये अंधविश्वास के चक्कर में मोहित कुमार का डेथ हो जाता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एक इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनको की काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर में, क्यों उन्हें अपने बालों को सेव कर देती है, ठीक है, एंड वो ऐसा क्यों करती है, कंटेंट बनाने के लिए, फैमिली का रिएक्शन बेसिकली। यस, फैमिली का रिएक्शन आप देख सकते हो। तो उसी को शेयर करते हुए एक जन ने लिखा था, शी डजंट हैव कैंसर, शी हैज सेव्ड हर हेड ओनली फॉर कंटेंट एंड रीच। तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं ना, भगवान हमें इस बीमारी से बचाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लीज। एक जन लिखा था, कोई नहीं, 2-4 दिन में कंटेंट का भूत उतर जाएगा लिटरली एंड मेटाफोरिकली। एक जन लिखा था, भाई इधर इट्स अ सर्टिफाइड सी जनरेशन, और इन सालों के लिए मार्केट में कुछ खतरनाक माल आया हुआ है जो कंप्लीट सी बना देता है। क्या सोचते हो यार आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, श्याम रंगीला के बारे में आपको बताऊंगे, काफी पॉपुलर कॉमेडियन है। इनका एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मिमिक्री काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मिमिक्री बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो ये लड़ने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 वाराणसी से किसके अगेंस्ट में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब ऐसा वो क्यों कर रहे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में क्यों लड़ रहे इलेक्शन, इसके बारे में वो बताया आप देखिए। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम
न्यूज में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहां क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी है वो तो प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है, और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे? अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहां भी ऐसा ना हो, तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। और सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो बात करते हैं उनके ही बारे में। तो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स में आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोटो था, तो अभी उसको हटा दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स बताए कि ये क्यों किया गया, ड्यू टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, ट्विटर यूजर के बारे में, उन्होंने भाई दो साइबर क्राइम कंप्लेंट्स फाइल कर दिया ऑनलाइन, किसके अगेंस्ट में, कुछ रणबीर कपूर के फैंस के अगेंस्ट में। बोलो क्या करना, उनको कंटिन्यूअसली ट्रोल कर रहे, उनका पिक्चर को मॉर्फ कर रहे, एडिट करके वल्गर पोस्ट वगैरह कर रहे, कुछ कुछ का स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ऐसा कुछ रणबीर कपूर के फैंस क्यों कर रहे? कुछ दिन पहले आपको पता होगा रामायण मूवी का कुछ पिक्चर्स लीक हुआ था, एंड रणबीर कपूर का जो लुक वायरल हुआ था ना, वो आपको पता होगा भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे, तो उसको ना ये ट्विटर यूजर ने क्रिटिसाइज किया था, जिसके वजह से काफी सारे रणबीर कपूर के फैंस उनको ट्रोल कर रहे, उनका पिक्चर्स एडिट करके वल्गर पोस्ट वगैरह कर रहे। बेसिकली वो विक्टिम बन गई अभी ऑनलाइन हैरेसमेंट का। वो काफी सारे ट्वीट्स वगैरह की ना कि कैसे कैसे पोस्ट वगैरह कर रहे लोग, और वो साइबर क्राइम वालों से रिक्वेस्ट भी की ना कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी देखा जाए, एंड जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, यूपी के दो बहन के बारे में जिनका नाम है सीता एंड गीता, इनका न्यूज अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ये यूपी के गोरखपुर से है, ठीक है। तो जनवरी 2023 में दिल्ली से मिसिंग हो गए थे, एंड उनके भाई को लगा कि एक बहन के फॉर्मर लवर यानी कि एक्स लवर ने वो दोनों को मार दिया। वेल अभी वो मिल चुकी है, एंड वो क्यों मिसिंग हो गए थे, बेसिकली वो मिसिंग नहीं हुए थे, वो भाग गए थे अपने लवर्स के साथ शादी करने के लिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा का आपको बताओ नेटफ्लिक्स पर अभी एक शो आ रहा है, हर हफ्ते एक एपिसोड आता है ना, तो कितना चार्ज कर रहे भाई कपिल शर्मा एक एपिसोड शूट करने का? तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो चार्ज कर रहे 5 एपिसोड्स के 26 करोड़ रुपीज, जो कि एक एपिसोड का होता 5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। ये रिपोर्टेडली बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है। चलिए अगली अपडेट के बारे में, अनन्या रेड्डी के बारे में बता दूं, ये थर्ड रैंक पर आई थी, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में। तो अभी उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दिया है। बेसिकली कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनका फोटो लगा के, उनका नाम लगा के सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रहे, इंस्टाग्राम पे हो गया, ट्विटर पर हो गया, टेलीग्राम पर हो गया, और उनके काफी अच्छे खासे फॉलोवर्स भी है। अब इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं ना, उनका नाम यूज करके मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे, वो लोग मेंटरशिप के नाम पे पैसे ले रहे भाई लोगों से। तो इसलिए उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दिया है। वो बताए ना उनका फोटोग्राफ्स का मिसयूज हुआ, जो कि इंपर्सोनेशन का केस है, और वो लोग ने उनका प्राइवेसी को भी वायलेट किया है। वेल अभी पुलिस उन बंदों को ट्रैक कर रहे ना, जो भी फेक अकाउंट्स बना रखे उनके नाम से, एंड बहुत जल्द पुलिस उनको पकड़ भी लेगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो एक वायरल ट्वीट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा वायरल आ रहा है, बहुत सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मिस्का राणा एक ट्वीट करती है, फ्रेंड्स डैड पेड 3 लाख एज ए फी टू ओनली गेट रिश्ता फ्रॉम फैमिलीज विद 200 करोड़ प्लस टर्नओवर, वुड यू? बेसिकली उनके फादर ने 3 लाख रुपए खर्च किया हुआ मैट्रिमोनियल एजेंसी में। क्यों? वो चाहते हैं कि उनका बेटी का शादी उसके साथ हो जिसका 200 करोड़ प्लस का टर्नओवर हो। भाई खतरनाक। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो एक बल्गेरियन पॉलिटिशियन के बारे में। तो क्या ये वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन है? अभी जो मैं न्यूज बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, लेकिन अभी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है ट्विटर पर। वो एक स्पीच दे रहे होते, ठीक है, एक बंदा पिस्तौल लेके आता है, वो गोली चलाता है ना, लेकिन गोली नहीं चलता। क्यों? ड्यू टू पिस्तौल फेलियर। इसके बाद वो बंदे को बहुत सारे लोग घेरते हैं, बहुत सारे लोग पीटते हैं ना, तो भाई समझ सकते हो उनके सर पे गोली लग जाता अगर पिस्तौल फेलियर नहीं होता तो। कितने लकी हो सकते हैं भाई, खुद बताओ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, कॉमेडियन रोहन जोशी के बारे में। तो रोहन जोशी एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पे वो बात की एक स्कैम के बारे में, जो कि उनके साथ भी करने का कोशिश किया गया था। बेसिकली उनको एक कॉल आता, ठीक है, वो बताता है कि वो दिल्ली पुलिस एंड कस्टम्स है, एंड उनका जो आधार कार्ड है वो यूज किया जा रहा टू सेंड फ्रॉम दिल्ली टू कंबोडिया। इसके बाद रोहन जोशी उसको पूछते हैं कौन सा ड्रग्स, तो स्कैमर थोड़े टाइम चुप होता है एंड बोलता है MMD। जो वीडियो अपलोड किया मैं दिखाता हूं, आप देखिए। I had the greatest scam call yesterday where a guy called saying that he's from Delhi police and customs and that my Aadhaar card has been used to send drugs from Delhi to Cambodia. At which point I was just like, what? And he went quiet for 2 seconds and he said, MMDA. At which point I said, it's not me.
But if they are coming from Cambodia to my house, then please say. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो कि मनारा चोपड़ा के बारे में। तो मनारा चोपड़ा बताए कि उनको जो फेयरनेस क्रीम एड से निकाल दिया गया, क्यों? उनके चेहरे में पिंपल्स आ गया इसलिए। वो बताए ना उनका अगले दिन शूट था, आज के दिन उनके पिंपल्स आ गया। जब वो नेक्स्ट डे एड शूट के लिए गई, उनको सेट से ही वापस जाने के लिए कह दिया गया। वो बताती है ना कि वो बहुत ही डिसहार्टनिंग था, उस टाइम पे घर जाके रोई भी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, जो एक बंदे के बारे में जिसके अगेंस्ट में केस हो चुका है, क्यों? वो अपने वेडिंग इन्विटेशन में लिखता है, बेस्ट प्रेजेंट आप लोग मुझे एंड मेरे होने वाली वाइफ को दे सकते हो बाय इलेक्टिंग मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन। बेसिकली वो बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, मुझे और गिफ्ट नहीं चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। न्यूज बता दो कर्नाटक आके, ठीक है, वो बंदे के रिलेटिव ने कंप्लेन किया इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को, तो उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका है। वो जो बंदा है, केस होने के बाद बताता है कि वो जो कार्ड्स प्रिंट किए गए थे वो पोल डेट्स अनाउंस होने से पहले किए गए थे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन के घर में हो गया चोरी, ऐसे के बारे में वो कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देखिए। भाई घर में चोरी हो गई है मेरे ऑफिस में, जो मैं पहले मैंने लिया था ना, 1 BHK में रहता था जब मैं गरीब हुआ करता था, तो उसमें चोरी हो गई है। मैं फ्लैट में जा रहा हूँ, मेरे गार्ड का फोन आया था, और दिखा दो क्या क्या चोरी हुई है, लॉक डाल दो भाई, कसम से बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो रहा है। आपको खाने की लग रही है यहाँ साले, मेरे ऑफिस में चोरी हो गई है, आप मैंगो से खिला रही हो मेरे को। सालों चोरों को मेरे में ही मेरे को लग रहा है शाफ्ट से या बालकनी से आने का रास्ता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ से कूद के आ गया है। अब कराऊंगा, अब कल डैडी को बोलूंगा गेट वेट का। करते हैं ऐसा। तो भाई सीन ऐसा, मेरे पे इतने मैसेज आ रहे क्या क्या चोरी हुआ है। तो भाई चोरी अभी बता रहा हूँ, अभी मतलब ऑफिस में हुई है बेसिकली, जो मेरा पुराना ऑफिस था। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद एक बंदे को हेल्प करना चाहती है। बेसिकली एक बंदे का वीडियो ना, जहाँ पे वो गा रहा होता है एंड बहुत बढ़िया गाता है ना, उसके काफी सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर। तो उसी का एक वीडियो को उर्फी जावेद शेयर की, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रहते पल पल। रूफी जावेद लिखती है, इज देर अ वे टू हेल्प हिम, ही कांट रिसीव मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, गोल्डी ब्रार के बारे में। जैसे मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि गोल्डी ब्रार को किसी ने मार दिया, उनका डेथ हो गया कैलिफोर्निया में, US। तो अभी US पुलिस कंफर्म किया ना कि गोल्डी ब्रार का डेथ नहीं हुआ, उनको गोली किसी ने मारा ही नहीं है, वो कोई और बंदा जिसका नाम है जेवियर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, मैक्सटन वर्सेस UK07 राइडर के बारे में। तो मैक्सटन ने एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट में कह दिया था ना कि दुबई से गाड़ी इंडिया में ओन नहीं कर सकते। बेसिकली वो बात कर रहे थे UK07 राइडर के बारे में ना। तो इसके बाद UK07 राइडर कई बार रिप्लाई दे चुके हैं मैक्सटन को इनडायरेक्टली। तो इससे रिलेटेड कल मैक्सटन एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। तो एक पॉडकास्ट हुआ था जिसके अंदर मेरे से पूछा गया था दुबई से गाड़ी वाड़ी कैसे लाते हैं फलाने गाना, तो उसमें मैंने ना सब कुछ बोल दिया था कि आप दुबई में गाड़ी, दुबई की गाड़ी इंडिया में ओन नहीं कर सकते। तो उसके बाद यूके भाई ने एक बार रिस्पॉन्ड किया, चलो ठीक है, गुस्सा आता है, समझ में आता है, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, मैं तो पीछे पड़ूंगा भाई, मैं तो गली इंसान हूँ, 3 बार थोड़ी जाऊंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, झारखंड के क्लास 12 एग्जाम के टॉपर के बारे में, जिनका नाम है जीनाथ परवीन। इन्होंने आर्ट स्ट्रीम में टॉप किया ना, 94.40% आए इनके। एंड ये भाई वेजिटेबल सेलर की बेटी है, यानी कि सब्जी वाले की। वो अपने ड्रीम के बारे में बताई कि वो जो UPSC एग्जाम क्लियर करना चाहती है एंड एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके सलमान खान के बारे में। सलमान खान के घर में कुछ दिन पहले आपको पता होगा 2 जन आके फायरिंग किए थे, वो 2 जन तो अरेस्ट हो चुके हैं एंड और भी कई सारे लोग इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। जैसे किसने वो बंदूक उनको प्रोवाइड किया, तो जिसने प्रोवाइड किया ना उन्हीं में से एक अक्यूज्ड फाइट कर देता है पुलिस कस्टडी में। यस, वो अपने आप को करता है विद अ बेड सीट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके हार्दिक पांड्या के बारे में। तो आपको बताओ हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन हो चुका है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। जब सिलेक्शन टीम डिस्कस कर रहे थे ना हार्दिक पांड्या के बारे में, तो बहुत डिबेट हुआ था भाई कि हार्दिक पांड्या को लिया जाए कि नहीं। होता है ना, जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें से कुछ लोग थे जो हार्दिक पांड्या को लेना चाहते थे एंड कुछ लोग थे जो हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए नहीं लेना चाहते थे, सिलेक्ट नहीं करना चाहते थे। तो उसी में डिबेट हो गया था, लेकिन उन्होंने ले लिया हार्दिक पांड्या को। एंड अब क्योंकि हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट कर लिया गया था, शिवम दुबे एंड रिंकू सिंह किसको सिलेक्ट किया जाए उसमें काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। बाद में फिर उन्होंने शिवम दुबे को सिलेक्ट कर लिया इन द मेन स्क्वाड। रिंकू सिंह आपको पता होगा वो रिजर्व प्लेयर में। और पे क्रिकेट का बात हो रही है तो बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली आपको पता होगा उनको इस IPL में काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट को लेकर। तो विराट कोहली के बेस्ट फ्रेंड यानी कि AB de Villiers ने रिप्लाई दिया, जो भी विराट कोहली के बारे में उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट टू प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट। बहुत सारे डेटा ड्रिवन पंडित जो है वो उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, जबकि उनको गेम का कुछ नॉलेज ही नहीं है, कितने गेम्स खेला उन्होंने क्रिकेट, कितने IPL सेंचुरी वो लोग ने लगाया है। यस, वो रिप्लाई दिया ना जो भी लोग विराट कोहली को उनके स्ट्राइक रेट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।